क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट। एल्यूमिनियम इज अगेन अ मेटल। व्हाट अबाउट ब्रास, इज इट अ मेटल? बीच बीच में हम कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई एम योर कोच एंड मेंटर रोहित गिरधर एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, हम एनटीएससी में क्लासिफिकेशन टॉपिक जो कि मैट का एक पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थ्रेड बेयर का मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक, नो स्टोन विल अनटर्न। तो ये होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टॉपिक? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है, तो ये है क्या क्लासिफिकेशन? अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट। मतलब आपको चार या आपको पांच वर्ड्स दे सकता है, लेटर के ग्रुप दे सकता है या नंबर्स दे सकता है। इन चार और पांच वर्ड्स में या नंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ इनमें आपस में होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डॉग, कैट, माउस, वुल्फ एंड कुकू। कुकू इज अ बर्ड, कोयल बोलते हैं हिंदी में। तो इन पांच में से चार ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटी है, एक डिफरेंट है। तो जो मुझे समझ में आता है वो ये कि जो पहले चार हैं, डॉग, कैट, वुल्फ, व्हाटएवर, दे वॉक ऑन अर्थ, और जो पांचवा है कुकू बर्ड, वो फ्लाई करती है। तो कुकू वुड बी ऑड मैन आउट और ऑड आउट। तो ये है क्लासिफिकेशन। इसमें आपको नंबर्स के ग्रुप दे सकता है, इसमें आपको लेटर्स के ग्रुप दे सकता है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला टाइप क्या होता है? वर्ड्स। दूसरा टाइप क्या होता है? लेटर्स, रेदर ग्रुप ऑफ लेटर्स। तीसरा टाइप क्या होता है? नंबर्स। तो क्या किया जाता है इसमें? पांच वर्ड्स देगा, चार में सिमिलैरिटी है, एक ऑड मैन आउट है। ग्रुप ऑफ लेटर्स देगा चार या पांच, चार सिमिलर है, पांचवा ऑड मैन आउट है। नंबर्स आपको कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में नंबर्स देगा। हम जब इसमें आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा लेक्चर फ्लो क्या रहेगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा वर्ड्स वाले क्वेश्चन, फिर डिस्कस करूंगा लेटर्स वाले, फिर डिस्कस करूंगा नंबर्स वाले, और उसके बाद हम करेंगे एक प्रैक्टिस शीट जिसमें जंबल्ड होंगे क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से। बीच बीच में हम कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यू शुड प्रैक्टिस द थ्योरी व्हिच इज डिस्कस्ड इन एनालॉजी, व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन एनालॉजी, यू शुड डू इट वंस। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप वन से, यानी कि वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, उसको समझते हैं। एग्जामिनर की सोच से हम वाकिफ होते हैं कि उसकी सोच क्या है, किस सोच से हमारा सही आंसर आएगा। तो देखिए, चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, एक एक करके मैं आपको करवाता हूं। क्या करना है आपको? द इंस्ट्रक्शंस वुड बी, आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच इज लीस्ट लाइकली टू बी देयर इन द ग्रुप ऑफ रिमेनिंग थ्री। इन चार में से तीन ग्रुप बनाएंगे, उनमें कुछ सिमिलर क्वालिटी होगी, वो वाला चूज करना है जो उस ग्रुप में नहीं आ सकता। तो हम सोच को समझते हैं। पहला है कॉपर, जिंक, ब्रास एंड एल्यूमिनियम। इफ यू नो व्हाट कॉपर इज, इट्स अ मेटल। जिंक इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अगेन अ मेटल। व्हाट अबाउट ब्रास, इज इट अ मेटल? ब्रास होता है दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन, सो ब्रास मेटल नहीं है, इट इज एन एलॉय। तो बिकॉज ब्रास इज नॉट अ मेटल, ब्रास वुड बी ऑड मैन आउट, या ब्रास इस ग्रुप में फिट नहीं होता। लॉजिक, थ्री आर मेटल्स, ब्रास इज नॉट। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSE. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSE Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSE of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSE. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSE. So subscribe to NTSE Guru if you want NTSE specific concept lecture, fantastic course material, state of the art practice videos, and very finely drafted All India test series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSE. Best of luck. बिस्किट्स, बिस्कुट नहीं बोलते इसको, बिस्कुट हम हिंदी में बोलते हैं, कुछ गलत नहीं है। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी बिस्किट। सो बिस्किट्स, चॉकलेट, केक, ब्रेड। बिस्किट कहाँ बनते हैं जी, बताइए आप, बिस्किट या कुकीज कहाँ बनती हैं? अच्छा, बिस्किट और कुकी के बीच का अंतर भी समझ लीजिए। बिस्किट क्या होता है और कुकी क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसको कुकीज बोलते हैं। तो बिस्किट्स वुड बी कॉल्ड एज कुकीज, राइट। सो बिस्किट बेकरी में बनता है, चॉकलेट बेकरी में तो नहीं बनती, केक बेकरी में बनता है या बेक होके बनता है, बेकरी मतलब बेक होके बनता है, और ब्रेड ये भी बेक होके बनती है। तो ब्रेड बेक होती है, केक बेक होता है, बिस्किट बेक होता है, चॉकलेट बेक नहीं होती। सो ऑड मैन आउट हियर वुड बी चॉकलेट, क्योंकि वो बेक नहीं होती। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट। देखो एक्टर स्टेज पे एक्ट करता है, आर्टिस्ट भी परफॉर्मेंस देता है अपना, म्यूजिशियन भी गाना बजाता है और अपना परफॉर्मेंस देता है स्टेज पे, पोएट भी दे सकता है, बट नॉर्मली पोएट इज इनटू राइटिंग पोएट्री। तो जब आप राइट करते हो पोएट्री, उसका सेकेंड पार्ट हो सकता है कि आप स्टेज पे पोएट्री को गाओ या बोलो, बट बाय एंड लार्ज पोएट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स। तो इस लॉजिक से पोएट वुड बी ऑड पर्सन आउट, बिकॉज म्यूजिशियन, आर्टिस्ट एंड एक्टर दे वुड बी इन अ ग्रुप एंड दैट ग्रुप वुड बी परफॉर्मिंग। ऑलराइट दोस्तों, एनटीएससी गुजरात 2014 में पूछा गया सवाल। Previously asked NTSE question. This question was asked in Gujarat 2016. The question is, which word is different from the rest? And your options are A. Kiwi, B. Eagle, C. Emu, and D. Penguin. And your time starts now. ये चार ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा गया था कि बताइए ऑड मैन आउट कौन सा है जो इसमें फिट नहीं होता। अब आप देखिए कैसे जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज वुड प्ले अ रोल हियर टू डिसाइड द आंसर। तो पहला है कीवी, दूसरा है ईगल, तीसरा है ईमू, चौथा है पेंगुइन। अब कीवी, मैं दो कीवी जानता हूँ, एक कीवी फ्रूट को जानता हूँ और दूसरा जानता हूँ कीवी बर्ड को। तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जब इंडिया खेलने आती है तो उनको कीवीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कीवीज, वो निकनेम क्यों पड़ा, क्योंकि एक फ्लाइटलेस बर्ड है विच इज एंडेमिक टू न्यूजीलैंड। तो ये फ्लाइटलेस बर्ड जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है उसको बोलते हैं कीवी, उड़ नहीं सकती। ईगल क्या है, ईगल यू नो, लाइक ईगल यू शुड सोर हाई इन द स्काई, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है ईगल। तीसरा ईमू क्या है, ईमू एक बर्ड है, ये एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया है और ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है। तो पहली हमने देखी न्यूजीलैंड वाली, तीसरी हमने देखी ऑस्ट्रेलिया वाली। पेंगुइन क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएचर्स आपने देखे होंगे, पेंगुइन कार्टून्स में बहुत यूज होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और जगह भी पाए जाएंगे, अंटार्कटिका में। ऑलराइट, और इसकी खास बात भी यह है कि ऑल्दो दे हैव फेदर्स बट दे कैन स्विम ऑल्सो। तो वो लैंड पे भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। सवाल यह है कैन पेंगुइन्स फ्लाई, द आंसर इज नो। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये तीन जो हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, कीवी, ईमू और पेंगुइन, और ईगल फ्लाई कर सकता है। तो अब ये मुझे कहाँ से पता चला, आई डोंट नो, डिस्कवरी देखते हुए या नेट जियो देखते हुए या जनरल अवेयरनेस में पता चला। तो ये जनरल अवेयरनेस का भी टेस्ट होता है एक तरीके से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर होगा ईगल, ईगल इज ऑड मैन आउट। ठीक है, चलिए और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि इसमें एक रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन इसमें, वैसा ही इसमें। तो इन तीन जो चार में से तीन हैं इसमें से कुछ आपसी रिलेशन है इन लोगों का। वॉल्यूम इज टू लीटर, क्या होता है भाई, वॉल्यूम का मेजर होता है लीटर। वॉल्यूम का मेजर करते हो, दूध किस में मेजर करते हो, 1 लीटर दूध देना भाई, आधा लीटर दूध देना, तो मेजर ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। टाइम किस में मेजर करते हो, सेकंड में करते हो, मिनट में करते हो, आवर में करते हो, तो टाइम का मेजर है सेकंड, वॉल्यूम का मेजर है लीटर। ये बोलना सीखो, ये सेंटेंस बनाना सीखो। लेंथ का मेजर है मीटर और टाइम का मेजर है सेकेंड्स। तो क्या प्रेशर का मेजर है बैरोमीटर, ना, प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जबकि मीटर एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जबकि सेकेंड्स एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है और लीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फिर कौन सा ऑड मैन आउट होगा? तो गालिबन ऑड मैन आउट होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि वो बाकी 3 से मेल नहीं खाता, क्योंकि इसका लॉजिक कुछ अलग ही है। ठीक है, तो एक हमने नया लॉजिक सीखा। चलो इसी तरह का एक और सवाल करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम पैटर्न पे जो मैंने आपको करवाया, तो ये आपस में एक रिलेशन है और सेम रिलेशन मिलेगा आपको 3 ऑप्शंस में। तो पेंटर इज टू गैलरी, क्या रिलेशन है? पेंटर पेंटिंग बना के अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन कहाँ करता है? गैलरी में करता है। और एक्टर कहाँ पे परफॉर्म करता है? स्टेज पे करता है। मेसन कौन होता है? मेसन वो होता है जो कि ये दीवार वगैरह बनाता है। और फार्मर अपना काम कहाँ करता है? फार्मर अपना काम करता है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? फार्मर के काम करने की जगह फील्ड, एक्टर के काम करने की जगह स्टेज, पेंटर के काम डिस्प्ले करने की जगह गैलरी, मेसन के काम करने की जगह वॉल नहीं है, मेसन वॉल बनाता है। इस लॉजिक से ये मेसन वॉल वुड बी ऑड पर्सन आउट एंड दिस इज व्हाट वुड बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अगला सवाल। दोस्तों यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, वो ये कॉमन सेंस which is uncommon would help you a lot to generate answers to such questions. दूसरा general awareness. So common sense, general awareness would help you get answers in this topic, classification as well as analogy. All right? दोस्तों अगला सवाल सेम पैटर्न का है। अब देखिए इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस और कक्षा 2 में जो आपने पढ़ा होगा वो किस तरीके से फिर से आपको याद करना पड़ेगा। लायन रोर, तो लायन जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बोलता है रोर, है ना, रोरिंग ऑफ अ लायन। बाय द वे देयर इज अ फैंटास्टिक मूवी यू शुड बी वाचिंग अगर आपको कभी टाइम मिले, द लायन किंग, एनिमेटेड मूवी है। लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स टू बी लर्न। स्नेक का जो साउंड होता है वो होता है हिस। फ्रॉग ब्लीट करता है क्या? और बीज हम साउंड करती है। तो ये तो पक्का, ये भी पक्का और ये भी पक्का, बट फ्रॉग ब्लीट नहीं करता। ब्लीट करते हैं काफ्स, या ये बोल लीजिए गाय का बछड़ा, उसको बोलते हैं ब्लीट। जब उसको मां की याद आती है तो द साउंड प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज ब्लीट। फ्रॉग क्या करता है? फिर आप कहेंगे फ्रॉग करता है क्रॉक। कभी ध्यान से सुनिएगा, वो करता है क्रॉक, टर टर, उसको टेक्निकली बोलते हैं क्रॉक। तो हमारा ऑड मैन आउट कौन सा हुआ? फ्रॉग इज टू ब्लीट, फ्रॉग ब्लीट नहीं करता। लॉजिक क्या हुआ? एनिमल एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं जी, लिस्ट दी हुई है इंटरनेट पे या आपकी किताब पे कि भाई कैट म्यू करती है, डॉग बार्क करता है, कौन सा एनिमल क्या करता है, एक बार याद कर लो। और उनके यंग वंस भी याद कर लो, क्योंकि साउंड भी पूछ सकता है, यंग वन भी पूछ सकता है, ग्रुप भी पूछ सकता है। जैसे फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं, शॉल बोलते हैं, गैम बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। आपको ये सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार लिख देता हूं सो दैट यू नो यू बियर इट इन योर माइंड कि क्या क्या करना है। आप गेटिंग द आइडिया? NTSE important key point. Some questions are based on logical reasoning as well as on basic English vocabulary. Therefore, NTSE aspirants must remember certain basic words, like various professions, sounds of animals, young ones of animals, workers and their tools, games and their ground or board details etc. तो आपको क्या क्या करना है? आपको साउंड्स याद करने हैं, आपको यंग वंस याद करने हैं, आपको इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है इसको याद करना है प्राइमरली। और जैसे और याद आता जाएगा, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू।